मारू आ रही हूँ। सईद को फोन कर दे और उसे कहो कि आकर मुझसे मिल ले। अच्छा अच्छा फोन तो मैं कर देती हूँ अम्मा, पर आप नरमी से बात करना। देखो उससे नरमी से बात करूंगी ना तो हाथ में आई मछली की तरह फिसल जाएगा वो। तुम भी तो इतनी डरावनी बातें करती हो, ये ना उसका हार्ट फेल ही हो जाए। तो तुझे क्यों अफसोस हो रहा है? अगर बात मानने से उसका हार्ट फेल होता है तो हो जाए। ऐसे बड़े दिल फेंक है इस दुनिया में। हाँ ऐसे तो ना कहो अम्मा, तो मेरे होने वाले सरताज हैं। सरताज बनने की कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें मान ले और तुम्हारा सरताज बन जाए। अच्छा ज्यादा बातें ना कर, कर उसको फोन। अम्मा चाय तो पी लूं सुबह सुबह, पहले फोन उसको करूं या चाय पीऊं? अच्छा पी ले, खा भी ले। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये किस खुशी में? लगता है बाबा का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। नहीं यार, इंटरव्यू तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने जॉइनिंग लेटर डायरेक्ट मेरे हाथ में थमा दिया। कल से ऑफिस है मेरा। आप सच कह रहे? बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। मैं आपको अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। इतनी नहीं, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी बस। मारुख नजर नहीं आ रही। अंदर कमरे में है। खैरियत? बाहर क्यों नहीं आई? नाराज है मुझसे। नाराज है आपसे? आपसे कैसे नाराज हो सकती है वो? वो कहती है कि जिस बात के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है वो बात तुमसे ना करे। कौन सी बात? ना समझ है ना, वो बच्ची है अभी, जमाने की नजाकतों को नहीं समझ रही है वो। खाला जी बताए ना क्या बात। 4 दिन बाद मारुख की रुखसती है। मैं एक ही बात से डर रही हूँ। देखो सईद मियां, तुम्हें मैंने बेटा नहीं कहा बल्कि समझा भी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि साफ साफ बात करूं तुमसे। खाला किस बात का डर है आपको? मारुख के सुख का। तुम्हारे साथ रुखसत करके मैं लाहौर चली जाऊंगी, लेकिन जाकर भी मेरा सारा ध्यान मारुख पे रहेगा कि पता नहीं ससुराल में उसके साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। खाला आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? कांटा भी चुभने नहीं दूंगा मैं मारुख को। और तुम्हारी माँ और बच्चे? चलो बच्चों को छोड़ो, वो तो अभी बहुत छोटे हैं। तुम्हें नहीं लगता सईद मियां कि उसूलन तुम्हारी माँ को यहाँ आकर मारुख के सर पे हाथ रखना चाहिए था?